राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना भाषण दिया। मोदी के भाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण किसी दल का नहीं होता है और उसका सम्मान करना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने देश के टुकड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव की वजह से जल्दबाजी में आंध्र प्रदेश का विभाजन किया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की आजादी के बाद आजाद हुए देश विकास की दौड़ में आगे निकल गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी बोले, तेलंगाना आगे बढ़े इसके पक्ष में हम भी थे, पर हमने आपकी तरह आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हड़बड़ी में जो किया उसका नतीजा है कि 4 साल बाद भी समस्याएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अगर सही नियत और सही दिशा रखी होती तो देश आज जहां पर है वहां से बहुत आगे निकल चुका होता। पीएम मोदी यही नहीं रुके, पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र नेहरू और कांग्रेस सरकार की देन है। देश का अस्तित्व उससे भी पहले था। लोकतंत्र हमारी रगों में है और हमारी परंपरा में है। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा एक ही परिवार की सेवा में लगा दी और देश के हित को एक परिवार के हित के लिए नजरअंदाज कर दिया। अभी का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री कैबिनेट ने निर्णय किया, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था, आपकी पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुला करके कैबिनेट के इन निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दे। इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र के पाठ मत पढ़ाइए। आप लोकतंत्र की बात समझा रहे हो, इस देश में 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए उखाड़ के फेंक दिया और जो जहर बोया आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगत। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, वो कौन सा लोकतंत्र था? प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का यह हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अभी दिसंबर में क्या ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव था कि ताकपोशी थी? आप ही के पार्टी के एक नौजवान ने आवाज उठाई, वो अपना उम्मीदवारी पत्र भरना चाहता था, आपने उसको भी रोक दिया। आप लोकतंत्र की बातें करते हो और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी ये देश आपके साथ रहा था। लेकिन ये न भूले कि भारत आजाद हुआ उसके बाद भी जो देश आजाद हुए वो हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके। हम नहीं बढ़ पाए, मानना पड़े। कुछ समय न्यायपालिका में भी जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी करती थी, पार्टी के द्वारा तय होता था। जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया, अरे खड़गे साहब कुछ तो कम करो। जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परंपराएं थी, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया।
लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। ऐसे समय बैंकों की एक दुर्दशा की बात देश के अर्थतंत्रों को तबाह कर देती, देश में एक ऐसा संकट का माहौल आ जाता उससे निकालना मुश्किल हो जाता। और इसलिए आपके पापों को देखते हुए, जानते हुए, सबूत होते हुए मैंने मौन रखा मेरे देश की भलाई के लिए, आपके आरोप में सहता रहा देश की भलाई के लिए। लोकतंत्र में आलोचना एक लोकतंत्र की ताकत है, ये होनी चाहिए, तभी तो अमृत निकलता है। लेकिन लोकतंत्र झूठे आरोप करने का अधिकार नहीं देता है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को निराश करने का हक नहीं देता है। जब देश डोकलाम की लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था, आप चीन के लोगों से बात कर रहे थे। आपको याद होना चाहिए संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र, देश, विपक्ष, एक जिम्मेवार विपक्ष क्या होता है। मैं देख रहा हूं हीट और रन वाली राजनीति चल रही है, कीचड़ फेंको और भाग जाओ, कीचड़ फेंको और भाग जाओ। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है।